जब ग्राम सभा या संवैधानिक संस्था है, ग्राम सभा है, ये संवैधानिक संस्था है, 73 संविधान संशोधन के आलोक में जब 1992 में 73 संविधान संशोधन हुआ, उस संविधान संशोधन के आलोक में पंचायत शब्द आता है और उसी पंचायत शब्द के अंतर्गत में ग्राम सभा इंप्लीमेंट होता है और 11वीं अनुसूची पर काम करने के लिए एक लोकल गवर्नमेंट है। ये संविधान के अनुसार ये किसी ब्यूरोक्रेट्स के अधीन नहीं है, किसी झारखंड सरकार के अधीन नहीं है ग्राम सभा, ये संवैधानिक संस्था है। क्या जनजाति आयोग भारत सरकार के अधीन है? क्या लोकसभा भारत सरकार के अधीन है? क्या संसद भवन भारत सरकार के अधीन है? नहीं है, संवैधानिक संस्था है। तो इस संवैधानिक संस्थाओं को आपने ट्रस्ट बनाकर के अधिग्रहण कैसे किया और इस ट्रस्ट में कौन लोग हैं? सारा ही लोग हैं, आईएएस ऑफिसर लोग हैं, पुजारी भी है, नाम भी बताइए। 19/10/2023 से 6/3/2024 तक संदीप अनुराग टोप्पो आईएएस ऑफिसर इसका प्रेसिडेंट होता है। आईएएस कब की बोल रहे हैं आप? मंदिर का, ट्रस्ट का, ठीक है। फिर अजय कुमार साहू, ये कौन है? ये भी ट्रस्ट का मेंबर है, चेयरमैन है। उस समय चेयरमैन, जब जब हो एक एक साल में चेयरमैन बनते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट या बाहरी लोग। फिर उसके बाद है समृत्या, ये भी आईएएस ऑफिसर होते हैं। उत्कर्ष गुप्ता, ये भी उसका सदस्य होता है और वर्तमान में एसडीओ था, ठीक है। और ये अभी का हिसाब से, अभी के हिसाब से चेयरमैन है एसडीओ बुंडू, एसडीएम बुंडू, बुंडू का एसडीएम। इसका चेयरमैन है देवरी मंदिर ट्रस्ट का। सेक्रेटरी का नाम है सर्कल ऑफिसर तमार, तमार का सर्कल ऑफिसर सीओ ट्रस्ट का। सेक्रेटरी पहान पुजारी, नाम पहान पुजारी का नाम, मुखिया पुजारी, हम बता देंगे, ठीक है। उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी हमारा पहान। इतने सारे हो करके अब सवाल उठता है गवर्निंग बॉडी कौन है? ये तो ट्रस्टी लोग हैं, गवर्निंग बॉडी कौन है? डाटा के अनुसार गवर्निंग बॉडी ये लोग आप यदि टाइप करेंगे यदि आप गूगल्स में तो ये लोग दिखता है। नाम बोले दो नाम, थोड़ा ऐलान करो। स्टेट गवर्निंग बॉडी, ठीक है, राज्यपाल महोदय है इसमें। उसके बाद मुख्यमंत्री जी हैं, 2021 में रजिस्ट्रेशन हुआ है तो 2021 में जो थे उस समय ये लोग हैं। और अर्जुन मुंडा जी जनजाति कल्याण मंत्री और उसके बाद लास्ट में ये विकास कुमार मुंडा कौन है? ये विधायक है, यही मेंबर है। तो आपके लिए काहे ना लड़ाई करेगा रे भैया, कैसे लड़ाई करेगा? कैसे लड़ाई होगा जब पूरा प्रशासन, अब भैया डोनेशन मिलता है इस ट्रस्ट के अनुसार से, अकाउंट नंबर दे दिया गया है, एफसीआई कोड दे दिया गया, कितना पैसा आ रहा है भैया आप लोग पता लगाइए, अपने कोई बैंकर मित्र है तो इंक्वायरी कराइए बैंक ऑफ इंडिया में, यदि आपका कोई दोस्त यार है तो इस अकाउंट नंबर को सर्च कराइए कि 2021 से लेके 2024 तक कितना करोड़ रुपए इस ट्रस्ट में जमा हुआ, पैसा कहाँ है? आप जो दान दे रहे हो अलग, जो बाहर से जो चुनाव के समय जो दान दक्षिणा देते हैं वो पैसा जो डायरेक्ट बैंक में जाता है वो कितना पैसा होगा? जांच कराइए। जब ट्रस्ट में गवर्निंग बॉडी वही लोग हैं, सर्कल ऑफिसर लोग हैं, तो भैया भ्रष्टाचार की बू तो हमको
सूंघने को मिलता है, है ना है? अब ये है ट्रस्टी। अब ट्रस्टी की बात खत्म। अब सवाल एक उठता है, ये लोग कहते हैं कि क्या दूसरे लोगों की पूजा अर्चना करने का अधिकार नहीं है? अरे पूजा अर्चना करने से कौन मना कर रहा है आप लोग को? हम तो प्रबंधन की बात कर रहे हैं। हम लोग का मांग तो यही है कि ग्राम सभा का जुडिशियल एरिया में उसका क्षेत्राधिकार में जो संपत्ति है उसको तो प्रबंधन तो उसी को करेगा ना। क्या यदि हम कैलाश में जाएंगे तो प्रबंधन करने का अधिकार हमको देगा? अयोध्या में हम यदि जाएंगे, राम जन्मभूमि में जाएंगे तो हमको अधिकार देगा? तो वहां से जो पहले से मौजूद है उन्हीं को देगा? तो हम पहले से मौजूद है ग्राम सभा तो हम ही को दो, लेकिन देगा नहीं, क्योंकि 2024 में हेमंत सोरेन जी ने जीर्णोद्धार के नाम पर 8 करोड़ रुपए इस ड्यूरी दीरी का जीर्णोद्धार के लिए 8 करोड़ रुपए का आवंटन करने का सूचना मिला है। 8 करोड़ में भैया अब ट्रस्टी वही लोग हैं, गवर्निंग बॉडी में भी वही लोग हैं, क्या होगा 8 करोड़? कहां जाएगा? बंदर बांटो। ये इसीलिए जांच का विषय है। हम तो ये इस चुनाव कितने के माध्यम से ईडी को हम अनुरोध करेंगे और सीबीआई को भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। यदि हम संविधान पर विश्वास करते हैं तो हम अनुरोध करेंगे ईडी से और सीबीआई से, इस देवरी ट्रस्ट का जिस प्रकार गठन हुआ है, जिस प्रकार का हस्तांतरण हुआ है चमरू मुंडा में, आप सीबीआई जांच करा दो और ईडी का जांच करा दो। दूध का दूध पानी का पानी, 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 पानी। और जो बोल रहे हैं हमारे साथ एक दुर्भार व्यवहार होता है, हम भुक्तभोगी मौजा के खुटकटी रैयत, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौजा के खुटकटी रैयत के वंशज है, बिल्कुल। आपको स्थानीय बोलता है कौन, रोजी रोटी के लिए आपने उनको अपने मौजा में निवास करने का अधिकार दे दिया भैया, भारत का संविधान का अनुच्छेद 19 सबको रहने बसने निवास करने का कारोबार करने का आजादी आपको देता है ना, सबको देता है, सभी को देता है भारत का संविधान, रहने बसने निवास करने कारोबार करने व्यापार करने की आजादी देता है। तो हम खुटखटीदार रैयत है, स्थानीय कैसे हो गए? भारत का संविधान का 19 सबको रहने बसने निवास करने का अधिकार देता है, उसके चलते आज तमाम के अंतर्गत खाता के अंतर्गत अंतर्गत या झारखंड में सभी जगह, कोई बिहार से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई गुजरात से आया है, कहीं से भी आया है, क्योंकि संविधान के अनुसार रहने बसने का निवास करने का अधिकार देता है। लेकिन स्थानीय हम कैसे हो गए? सुनिए बात, हम स्थानीय कैसे हो गए? हम तो खुटखटीदार रैयत का वंशज है, स्थानीय तो वो लोग है, स्थानीय तो वो लोग है जो रहने बसने निवास करने का अधिकार के तहत किसी का घर में भाड़ा में रहता है, किसी लीज जमीन पर घर में रहता है, कहीं बंदोबस्ती करके रहता है, वो तो यहाँ का मूल निवासी नहीं है, खुटखटीदार रैयत का वंशज तो नहीं है। लेकिन आज वो हमें स्थानीय उपद्रवी बोलते हैं। हम अपने संवैधानिक प्रदत्त अधिकारों को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमको ग्राम सभा को जो रूढ़ी प्रथा द्वारा संचालित देवरी दीरी का पूजा अर्चन करने का धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार इस संविधान ने दिया है, वो बोलता है हमें आप उपद्रवी, आप उपद्रवी। यदि हम उपद्रवी हैं तो वो जो बोल रहे हो कौन है? हमें आरोप लगाता है, वो तो यहाँ का निवासी भी नहीं है, खतियानी रैयत भी नहीं है,
बंदोबस्त रैयत भी नहीं है, अदीबों की रैयत भी नहीं है, अना अदीबों की रैयत भी नहीं है। वाह, आज के समय में आज हमें इस चीज का आप सबों के माध्यम से यदि आप रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं समझेंगे तो आने वाला समय में देवरी या हमारा द्यूरी दीरी एक केवल स्थान है, ऐसा कई स्थान आपको मिलेगा जो आपके पूर्वजों ने अपने आस्था का केंद्र बनाया। आपके पूर्वजों ने कहीं पर भी जाइए लेकिन वहां से जो छल कपट वाले लोग हैं वो मंदिर के नाम पर गाड़ देता है, कोई झंडा गाड़ देता है, कोई क्या गाड़ देता है, उसके बाद जमीन मेरा है वो। और आज के समय में यदि हाईकोर्ट ने इसको खारिज किया है, उसने माना है कि चमरू मुंडा का जमीन हस्तांतरण पांडा, चमरू पांडा का जमीन हस्तांतरण 1932 में यदि लीगल है तो डॉक्यूमेंट्स तो दिखाओ भैया। वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ है? अब किस आधार पर आपने 1932 में आपने सीएनटी एक्ट 1908 का उल्लंघन करके उसके नाम पर हस्तांतरण कैसे किया? बिक्री करके, दान करके, क्रय करके, जमीन का कब्जा करके कैसे हस्तांतरण? प्रत्येक गांव में जमाबंदी गांव का अपना रिकॉर्ड ऑफ राइट्स रहता है, इसको भी समझना होगा आपको। आज का लड़ाई ये संविधान का लड़ाई है। आज यदि हम ये कहें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो मुखिया है चंपा सोरेन से लेकर के हेमंत सोरेन सारे आदिवासी हैं, तमाड़ में भी आदिवासी, खूंटी में भी आदिवासी, सारे के सारे आदिवासी में झारखंड में जितने जो शेड्यूल एरिया हैं सारे के सारे आदिवासी हैं और 5 सांसद आदिवासी हैं। चाहे किसी भी पार्टी में हो लेकिन सांसद तो 5 है, 14 में से 5, 81 में से 26 विधायक हमारा है, 28 विधायक हमारा है। अरे भैया यदि आप ऐसा ही चुपचाप रहेंगे तो बाहर से लोग आएंगे, परिसीमन होगा, अनुसूचित क्षेत्र घटेगा, विधानसभा घटेगी, लोकसभा घटेगी, तो आने वाले समय विधि कौन बनाएगा, कौन बनाएगा कानून आपके लिए? आपको ये समझना हो। तो ये जितने जो विधायक है और मंत्री है आपके लिए काम नहीं करने का पीछे एक है, आपको समझना होगा। 78 साल हो गया आजादी का, संविधान लागू होने का 75 साल हो गया, आपको समझना होगा। हमारा कानून टिकू बनाएगा आज के डेट में, ये विधायक और सांसद इसीलिए नहीं काम करता है क्योंकि उसको वोट बैंक जहां से मिलेगा, जिस समुदाय से मिलेगा उसी के लिए वो काम करेगा, आपके लिए काम नहीं करेगा, आपके लिए काम नहीं करेगा क्योंकि आप गरीब हो, आप पैसा नहीं दे सकते हो, इसीलिए वो उन्हीं के साथ में साठ गांठ करेगा जो अंग्रेज के समय में हमारे पूर्वजों ने भगाया था उस समुदाय को, बसने नहीं दिया था उस समुदाय को। लेकिन आज आपका नेता, विधायक, सांसद वही समुदाय को फिर से बुला रहा है, आ जाओ हमारे समाज पर शासन करो और मुझे पैसा दो, मुझे मंत्री बना दो, मुझे सांसद बना दो, मुझे विधायक बना दो, मेरे को ट्रस्टी बना दो, लेकिन मेरे समाज के ऊपर तुम शासन करो, आ जा। यही यदि आएंगे तो आने वाले समय विधायिका तो खत्म, ब्यूरोक्रेट्स, कार्यपालिका शक्ति जहां मंत्रालय है, जितने जो मंत्रालय हैं, कानून नहीं बनेगा तो मंत्रालय में नौकरी कहां मिलेगा, खाक मिलेगा? इन विधायकों ने पिछले 75 साल में आदिवासियों के लिए एक भी कानून नहीं बनाया है, एक भी नहीं बनाया, सही बात, एक भी नहीं बनाया है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आरोप लगाती है, कांग्रेस के खिलाफ आरोप लगाती है, कहती है अबुए राज, अबुए दिसुम, अबुए राज, ओते हासा, अबुए, यही बोलती है, भड़काती है, हम भड़क जाते हैं और बीजेपी को वोट नहीं देते, कांग्रेस को भी वोट नहीं देते, जेएमएम को देते हैं, ले भैया तू सबसे अच्छा बोलता है। लेकिन ये तो बीजेपी और कांग्रेस के समान, बीजेपी जो बना रहा था, कांग्रेस जो बनाता, वही तो जमीन अधिग्रहण फिर से जेएमएम के माध्यम से कर रहा है।
ये तो एक चारा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक चारा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का, जिनके पूर्वजों ने हमारे लड़ाई लड़ा था उनके खिलाफ, उनके समुदायों के खिलाफ। ये व्यापारिक संगठन है, अंग्रेजों के समय इन्हीं व्यापारिक संगठनों के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ा। आज के समय में फिर से ये लोग बुला रहे, आजा मेरे समाज के ऊपर शासन करो, शासन करो। और माइनिंग एक्ट पर कहां बनाया उसने, खनिज एक्ट पर कहां बनाया, स्थानीय एक्ट पर कहां बनाया, रोजगार एक्ट पर कहां बनाया, शिक्षा एक्ट पर कहां बनाया, कानून का है नहीं है। यदि कानून नहीं है तो समाज आपको एकजुट होना होगा, उन राजनीतिक दलों से जो संविधान के विपरीत काम करता है उसके खिलाफ गुलाम करना पड़ेगा आज आपको। गुलाम करना होगा उन समुदायों के ऊपर और चैलेंज करना होगा। यदि राजनीतिक दल इस प्रकार के कदम उठाते हैं तो भारतीय का जो संविधान है, लोक जनप्रतिनिधि अधिनियम 1950 के अनुसार यदि कोई राजनीतिक दल यदि निर्वाचन आयोग में रजिस्ट्रेशन करता है चुनाव में, तो क्या शेड्यूल एरिया में इसका विस्तारीकरण हुआ है? क्या विधानसभा का चुनाव शेड्यूल एरिया में जो परंपरागत शासन व्यवस्था मौजूद है इसको दरकिनार करने के लिए विधानसभा का चुनाव हो सकता है? इसके ऊपर भी आपको शोध करना होगा, होता है कि नहीं, समझना होगा इसको। अंतिम समय में आप अंतिम समय में ये बात कहते हुए एक चीज आपको कहता हूँ, ये संविधान, क्योंकि संविधान हमें मानना है, संविधान को हमें मानना है। एक शब्द आपको याद रखिए, हरिवंश राय बच्चन जी का, अमिताभ बच्चन के पिताजी ने कुछ कहा, लेकिन उस कुछ कतनों के यदि हेरफेर हो जाते क्षमा करें। उसने कहा था, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, है ना, असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई खोजो और सुधार करो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए संघर्ष करो, चैन और नींद त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर भागो मत तुम, बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं बातों के साथ में हमें इस संविधान का हमें रक्षा करना है, संविधान को हमें संरक्षण करना है।